टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका टूर के लिए जो है ना तीन फॉर्मेट के लिए स्क्वाड अनाउंस कर लिए हैं। टेस्ट, ओडीआई और टी20 के तीनों स्क्वाड अनाउंस कर लिए हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो है ना रेस्ट लेने का जो है ना वो कहा गया है, जिसकी वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो है ना नाम नहीं आया वाइड बॉल क्रिकेट में। संजू सैमसन की भी जो है ना वो दोबारा वापसी हुई है, चहल की भी वापसी हुई है, कृष्णा की भी टेस्ट स्क्वाड में जो है ना टेस्ट स्क्वाड में पहली दफा शामिल है, मुकेश कुमार को भी टेस्ट स्क्वाड में पहली दफा शामिल किया गया है। तो इन सब के ऊपर गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो में, तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड को एनालाइज करेंगे कि यार किसके साथ एक दफे से ज्यादा की कौन से प्लेयर के साथ जो है ज्यादा की गई है, जिसमें सरफराज खान जो है ना वो सब सर फहरिस्त है, और कौन से जो है ना प्रसिद्ध कृष्णा, अब इसकी क्या जगह बनती थी। इसने तीन T20Is खेले हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और तीनों T20Is में 50 से ऊपर स्कोर दिए 4 ओवर में, तो इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग कोहली और रोहित शर्मा की। स्क्वाड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे और आपको सोशल मीडिया के ऊपर थ्रू भी जो है ना आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो आपको स्क्रीन पे स्क्वाड नजर आ रहे हैं तो स्क्रीन पे आप स्क्वाड देख सकते हो। हम बात करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा की, कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो है ना रेस्ट का जो है ना रेस्ट के लिए कहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कि वाइड बॉल क्रिकेट में जो है ना हमारी जगह यंगस्टर को मौका दे, हमें रेस्ट दे दीजिए, हमें रेस्ट करनी है। ये इंडिया की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि जहां पर अगर किंग बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए अपडेट्स आई थी कि बाबर आजम ने रेस्ट का जो है ना वो कहा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाथ यू जोड़ के कहा कि प्लीज प्लीज आप आ जाइए ऑस्ट्रेलिया टूर पे, क्योंकि आपके बगैर तो हमारी टीम, आपको पता है हमारी टीम जीरो है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे को शिकस्त वैसी होनी है, लेकिन अगर आप नहीं होगी तो बहुत बुरी तरह हमारी शिकस्त होगी, दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जाएगा और हमारे ऊपर पहले से तनकीद इतनी हो रही है कि कप्तानी की, और अगर आप नहीं होगी तो और जो है ना जिस तरह से हम जलील होंगे, तनकीद ज्यादा होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है ना उसको उसकी इज्जत बचाने के लिए आप जो है ना ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए हमारे साथ चले जाइए, रेस्ट मत करें। तो जिसके बाद बाबर आजम ने जाने का फैसला किया। तो ये टीम इंडिया है जहां पर उन्होंने बैकअप में हजारों लड़के तैयार रखे हुए। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वाइल्ड बॉल क्रिकेट से रेस्ट का जो ना मुतालबा किया, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने मान लिया कि सही है आप लोग रेस्ट कीजिए, रेड बॉल में जो ना रिप्रेजेंट करें टीम इंडिया को, वाइड बॉल में आपको रेस्ट चाहिए रेस्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान थोड़ी है कि जहां पर रेस्ट भी प्लेयर्स को नहीं दिया जाता, एक ही तो बाबर है उसको भी रेस्ट नहीं दिया जा रहा, बाकी तो किसी की जगह नहीं बनती, उनको शामिल कर दिया जाता है। तो आपने इंडिया की T20 स्क्वाड देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस दे रही है, इसमें ना रोहित शर्मा है, ना किंग कोहली है, ना ईशान किशन, ना केएल राहुल है, ना कुलदीप यादव है, ना अश्वन है, ना जडेजा है, ना शमी है, ना बुमराह है, ना सिराज है, इनमें से कोई भी नहीं है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को वो शिकस्त दे रही है 2-1 से। सीरीज अभी चल रही है, आगे नेक्स्ट दो T20 में क्या होता है देखते हैं, लेकिन ये यंग स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया को मार रही है। तो टीम इंडिया की यार मैं तो कहूँ तीन टीमें बना दो, क्या दो जो ना वो बातें कर दी कि टीम इंडिया की दो टीमें तैयार, तीन टीमें भी आप बना सकते हो टीम इंडिया की जो इन्होंने प्लेयर्स तैयार किए हुए, ये सारा आईपीएल का बदौलत, ये जितने भी प्लेयर है आईपीएल से आए हुए हैं। और अब जो स्क्वाड अनाउंस किए गए हैं तो उसके ऊपर नजर डाल देते हैं। टेस्ट स्क्वाड में किंग कोहली और रोहित शर्मा ने रेस्ट का जो टेस्ट स्क्वाड में दोनों खेलेंगे। टेस्ट स्क्वाड में जो ना शमूलियत जो हुई है, टेस्ट स्क्वाड में जो है ना मुकेश कुमार और कृष्णा की शमूलियत हुई है, मुकेश कुमार की तो सही जो है ना शमूलियत हुई है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ये जो है ना बहुत गलत डिसीजन है लिया है टीम इंडिया ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्रसिद्ध कृष्णा की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तीन T20Is में 50 के ऊपर स्कोर दे बैठे, उसके बावजूद उसकी सिलेक्शन हो गई टेस्ट स्क्वाड में, समझ से बाहर है ये वाला सिलेक्शन। बाकी टेस्ट स्क्वाड आपको स्क्रीन पे जो है ना आपने देख ही लिया है। तो अगर T20Is की बात करें तो T20Is में कोहली, रोहित और शमी ये नहीं है, और बाकी जो है ना यही टीम जो है ना सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, वाइस कैप्टन जो है ना जडेजा होंगे। ओडीआई की अगर बात करें तो ओडीआई में सई सुदर्शन, संजू सैमसन और चहल इनकी वापसी हुई है। सई सुदर्शन यंग लड़के, टैलेंटेड लड़के, इसको शामिल किया, इसकी वापसी नहीं कि इसको शामिल किया, मतलब पहली दफा शामिल किया, लेकिन चहल और संजू सैमसन की वापसी हुई है, जिसके लिए हम चीख रहे थे कि यार संजू सैमसन के साथ ज्यादती हो रही है, जैसे
पाकिस्तान में कुछ प्लेयर्स की ज्यादा हो रही है, इसी तरह से इंडिया में संजू सैमसन और टेस्ट क्रिकेट में सरफराज अहमद उसके साथ ज्यादा हो रही है। ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ काफी ज्यादा हो रही है टीम जो है इंडिया में। और चहल के साथ यही ज्यादा हो रही है कि इसको शामिल किया जाता है टीम के साथ, घुमाया जाता है, फिराया जाता है, सिर सपाटे भी करवाते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट में इसको भी भूल जाती है टीम इंडिया। तो ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है, दुख होता है कि यार इनके साथ क्या क्या जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है ये स्क्वाड देख के कि ये क्या साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में शिकस्त दे सकती है या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।